बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार से पूछा कि मनीष कश्यप के खिलाफ NSA लगाना आखिर राज्य सरकार किस बात का प्रतिशोध ले रही है। जी हां, बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ NSA लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने मनीष कश्यप की NSA के तहत गिरफ्तारी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया और हैरानी जताई कि ऐसे यूट्यूबर से राज्य सरकार को क्या दुश्मनी है जो उसके खिलाफ NSA जैसे सख्त धारा लगाया है। जज ने सुनवाई के दौरान कहा, याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत मांगी गई राहत के अलावा NSA के तहत हिरासत के आदेश के खिलाफ चुनौती देना चाहता है। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की भी अनुमति दी गई है। कोर्ट ने कहा है, हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को तब तक मदुरई सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए जब तक कोई नया आदेश न दिया जाता हो। अब इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को होनी है। वहीं मनीष कश्यप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ देव ने कहा कि यूट्यूबर पर तमिलनाडु में 6 मुकदमा लगाया गया है और बिहार में 3 FIR दर्ज किए गए हैं। एक यूट्यूबर पर NSA लगाया गया है, आखिर इस यूट्यूबर से राज्य सरकार को क्या खतरा हो सकता है, किस बात का प्रतिशोध लिया जा रहा है। जिसके बाद तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। बताइए, इतने बड़े वकील जो देश के नामी वकील माने जाते हैं, ऐसे मामले में एक साधारण से यूट्यूबर के मामले में कपिल सिब्बल को पेश कराया जाता है। स्वाभाविक है, कपिल सिब्बल का फीस लाखों रुपए होता है। 50 लाख से 1 करोड़ तक कपिल सिब्बल फीस लेते हैं और एक यूट्यूबर के लिए तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार, जो गरीब प्रदेश है, बिहार प्रदेश गरीब माना जाता है, उसके लिए लाखों रुपए यूट्यूबर के बचाव में अपने वकील को फीस देने वाली ये सरकारें कभी भी किसी भी मायने में आम लोगों के लिए न्याय का बात तो नहीं रखेगी, लेकिन प्रतिशोध की भावना को पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए, मनीष कश्यप जैसे लोगों से बदला लेने के लिए इतने महंगे कपिल सिब्बल जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में पेश करती है। जी हां, कपिल सिब्बल ने अपने बचाव में उस पैसे के बदले जो राज्य सरकार से कपिल सिब्बल को मिले हैं, उस पैसे के बदले कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का बचाव करते हुए कहा। दलील पेश करते हुए सिब्बल ने कहा कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाकर दावा किया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले हो रहे हैं। अगर ये फर्जी वीडियो था भी, तब भी क्या उसकी कोई FSL रिपोर्ट आ गई थी जो फर्जी वीडियो कहा गया? वीडियो बिल्कुल फर्जी नहीं था। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कुछ वीडियो पुरानी है, और हर किसी को पता है कि बिहार के मजदूर ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के मजदूर, राजस्थान के मजदूर, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ दक्षिण भारत हो, मुंबई हो, या फिर पंजाब हो, या फिर कई अन्य प्रदेशों में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, ये सभी जानते हैं। इन सब के बावजूद बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने अपने बचाव में जो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, वो किसी भी हद तक सुप्रीम कोर्ट के गले में नहीं उतर रही थी, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दोनों ही सरकार से जवाब मांगा है और कहा है कि अगली पेशी अर्थात 28 अप्रैल से पहले उन्हें जवाब दाखिल कर बताएं कि आखिर यूट्यूबर पर NSA क्यों लगाया गया है और इन तमाम मुकदमों को एक जगह क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।